दोस्तों, अगर आपने भी फ्री फायर गेम के अंदर इस वाले बंडल को निकाला है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने अभी तक इस बंडल को निकाल लिया तब भी देखना, अगर आपने अभी तक इस वाले बंडल को अभी तक क्लेम नहीं किया तब भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वाला बंडल बहुत कमाल का होने वाला है और इसके साथ साथ कुछ बातें हैं आपको इसके बारे में जरूर जान लेनी है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, तो ये वाला जो बंडल आपको मिलने वाला है, ये वाला बंडल आपको कुछ ही समय के लिए मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्री फायर ने क्या किया यहाँ पर, मतलब अभी कुछ समय पहले ही जो ये वाला इवेंट था ये बैक हो भी गया था, मतलब कुछ समय के लिए बैक हो गया था। जो ये वाला इवेंट क्या है, इतना ईजी है, ईजी होने के साथ साथ फ्री फायर को ये लगता है कि उसके साथ स्कैम हो गया। वो स्कैम कैसे हो गया वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को ये बंडल मिल चुका है वो बंडल यहाँ पर बैक हो सकता है, मतलब क्लेम करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके से हट सकता है। वो कैसे हटेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक काम करना है, तो फ्री फायर ने जो वाला ये वाला इवेंट लाया था कॉल बैक इवेंट नाम से लाया है, तो जो फ्रेंड दिखाई दे रहा है फ्रेंड कॉल बैक नाम से, तो इसमें करना क्या होता है वो आपको बता दूँ पहले। तो इसमें आपको कोई भी 10 फ्रेंड के पास आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और उसके साथ आपको यहाँ पर गेम खेलना है, मतलब कोई भी 10 बंदे, तो उनके साथ गेम खेलने के बाद आपको यहाँ पर 10 बार गेम खेलनी है। खेलने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला बंडल मिल जाएगा। इसी को देखते हुए फ्री फायर ने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले इवेंट को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये वाला इवेंट दोबारा आया है। लेकिन जो ये वाला इवेंट चलने वाला है वो 26 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक ये वाला इवेंट चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर फ्री फायर ने क्या किया है, तो आने वाले समय में जैसे हमें अपडेट मिला है उसके हिसाब से जो ये वाला इवेंट है, मतलब आज या कल में हट जाएगा, अगर अभी तक हटा नहीं है तो कल तक जरूर हट जाएगा। लेकिन अगर आप निकलना चाहो तो इस वाले बंडल को निकाल सकते हो, लेकिन जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से ये वाला बंडल जिस जिसने भी निकाला है उसके फ़ोन से ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, क्योंकि फ्री फायर को ये लगता है कि ये वाला इवेंट उसने गलती से दे दिया। और ये वाला इवेंट भाई इतना आसान है कि इस वाले इवेंट को यहाँ पर कोई भी पूरा कर सकता है, वो मतलब ये वाला इवेंट आपका 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उन बंदों के साथ खेलना है, मतलब यहाँ पर कोई भी 10 बंदे हों उनके साथ आपको बस गेम खेलनी है और 10 मिनट में आपको इस वाले इवेंट को कंप्लीट करने के बाद जो ये वाला कमाल का इवेंट मतलब बंडल दिखाई दे रहा है, इस वाले बंडल को आप यहाँ पर आसान तरीके से क्लेम कर सकते हो। मतलब हो सका तो जो ये वाला इवेंट है वो एक दो दिन में हमारी गेम से हट सकता है, और हो सका तो आज सुबह यानी 4 बजे के बाद ये अपडेट होने के बाद हट जाएगा और ये वाला इवेंट दोबारा से आएगा टफ हो गया। मतलब फ्री फायर के साथ मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि उससे लगता है मेरे साथ स्कैम हो गया, तो कुछ इसी प्रकार से भाई अगर आपने अभी तक निकाला नहीं है वाला बंडल तो जल्दी से निकाल लेना, फ्री में मिल रहा है और इतना अच्छा बंडल है और ये भाई इवेंट भी बड़ा आसान है, तो इसे जल्दी से कम्प्लीट कर लो, जल्दी से बंडल निकाल लो, हो सका तो आपको फ्री में मिल जाएगा, वरना ये एक दो दिन में यानी हो सका तो आज सुबह 4 बजे के बाद ये वाला इवेंट अपडेट होने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगा हमारी फ्री फायर गेम से। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना चाहता था, और कमेंट करके बताएं आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इसी प्रकार की फ्री फायर से जुड़ी हुई नई नई इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ भी नया होगा उसे जानने के लिए आप हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।